अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ट्रांसलेटेड यूनिट नंबर 1 एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड आवर सिनोनिम्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1 टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन 3 पार्ट्स ए बी एंड सी लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज कहता है कि गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन कहता है कि अल्फाज के मतलब दें लेसन या सबक में जिस तरह से वो इस्तेमाल हुए हैं अल्फाज उन्होंने हमें दिए हुए हैं उर्दू के मीनिंग हम इन्हें अपने तौर पर पढ़ेंगे लेकिन हमने इनके मीनिंग इंग्लिश में ही दे रहे हैं क्योंकि बेटा हमें क्योंकि पेपर में सिनोनिम्स आते हैं और सिनोनिम्स हमारे लिए नहायत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इनको सिनोनिम्स की फॉर्म में ही लेंगे। तो बेटा सबसे पहला वर्ड है मॉडल। मॉडल का मतलब होता है नमूना। बेटा आप इसका सिनोनिम जो है वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं या फिर रेप्लिका भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पिटी। पिटी का मतलब होता है अच्छाई या तकवा। तो बेटा इसका आप सिनोनिम लिख सकते हैं गुडनेस। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा थर्ड इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है अवधि, हमेशा रहने वाला, जो कभी खत्म ना हो। तो बेटा इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं एवरलास्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा अर्न्ड, कमाना, इसका आप सिनोनिम लिख सकते हैं मेक। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा सरमन। सरमन का आपको मतलब मैंने बताया था खुतबा, इसका बेटा आप सिनोनिम लिख सकते हैं लेक्चर्स। इसी तरह बेटा नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला। तो बेटा वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब भी होता है बदला। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कमांडेबल। कमांडेबल का मतलब होता है काबिले तारीफ या ऐसी चीज जिसकी तारीफ की जा सके। तो बेटा इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं एडमायरेबल। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना या किसी को सहारा देना। तो बेटा इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं सपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है मोहताज या जरूरतमंद। तो बेटा इसका आप सिनोनिम लिख सकते हैं नीडी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, इसका बेटा आप सिनोनिम लिख सकते हैं स्टेट पब्लिकली, यानी खुलेआम या अवामी इज्तिमा में बात करना। उसके बाद है बेटा ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड्स का मतलब मैंने आपको बताया था अबूर कर जाना, पार कर जाना। एक्सीड, एक्सीड का भी मतलब होता है एक हद से आगे गुजर जाना। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास वी पार्ट है। वी पार्ट में वो कह रहे हैं कि चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। उसने वर्ड हमें दिए हैं उनके हमने सिनोनिम्स ढूंढने हैं। सिनोनिम जैसा कि आपको पता है कि ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो लफ्ज़ तो मुख्तलफ हों लेकिन मीनिंग उनके सेम हो। जैसे इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब होता है मुनसफाना, ठीक है। तो बेटा इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं फेयर। फेयर का मतलब भी होता है मुनसफाना। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा एंसिस्टर। एंसिस्टर का मतलब होता है अबाव अजदाद, यानी जो हमारा शजरा नसब होता है ना उसे बोलते हैं एंसिस्टर्स। बेटा इसका दूसरा लफ्ज हम लिख सकते हैं फोर फादर। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा फो। फो का मतलब मैंने आपको बताया था दुश्मन। तो बेटा इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं एनमी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा फर्म। फर्म का मतलब होता है बरकरार रहना, डटे रहना किसी चीज पे, कायम रहना। तो बेटा आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं प्रिसिस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। तो बेटा इसका आप सिनोनिम लिख सकते हैं स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब भी होता है शानदार। वैसे तो इसमें फैबुलस का वर्ड भी दिया है लेकिन मोस्ट सूटेबल क्योंकि हमने पुट करना है इसलिए हम इसमें स्प्लेंडिड पुट करेंगे। इसके बाद बेटा आपका सी पार्ट जो है वो बेस ऑन कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन मतलब जो लेसन में आप इंफॉर्मेशन पढ़ के आए हैं उस इंफॉर्मेशन को आपने मेमोराइज करना है या उसको रिमेंबर करना है और उसके बाद उनसे जो एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये बेटा आपके होम टास्क के तौर पर सी पार्ट आपको दिया जा रहा है कि घर में ही अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर अपना लेसन दोबारा रीड करें और देखें कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस पैराग्राफ में दी गई है उस हिसाब से उसको फिल करें। ये था बेटा जी आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।